स्वागत है आप सबका मिता ब्लॉग एंड रसोई चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी सेमिया पायसम। ये जो खीर है फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी खीर है, अगर आप इसे बनाकर इस तरीके से एक बार खाएंगे तो कभी भी आप ऐसा ही खीर बनाकर खाना चाहेंगे। वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आने पर एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। मैं यहाँ पर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ, आप चाहे तो काउ मिल्क भी ले सकते हैं। दूध में मैं बस थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रही हूँ। पैकेट में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने वो पानी इसमें डाल दिया है। तो अगर आप अच्छा खीर बनाना चाहते हैं, टेस्टी खीर बनाना चाहते हैं, तो पानी ना डालें तो ये अच्छा होगा। तो देखिए, अब मैं एक पैन गर्म कर रही हूँ सबसे पहले, और इसमें मैं डाल रही हूँ घी 2 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो पहले हम घी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स, मैंने काजू और किशमिश लिया है, इनको हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, ये कुछ सेकंड तक भूनेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप बहुत अच्छा खीर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ना, दूध जो है पहले उबालना है, और बहुत अच्छे से 2-3 बार दूध में उबाल आना चाहिए, यानी कि 10 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम में दूध को उबाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर है सेमिया। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम जितना सेमिया ले रही हूँ। अगर आप चावल का खीर बनाते हैं तो अगर 100 ग्राम चावल लेते हैं तो आपको 1 लीटर लेना होगा दूध। ये है दूध, तो आप, मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है क्योंकि मैं सेमिया पायस बना रही हूँ। तो ये देखिए, दूध में बहुत अच्छे उबाल आ रही है, और यहाँ पर हमारा सेमिया जो है वो भी ब्राउन कलर हो चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें सेमिया को अच्छे से भून लेना होता है। अच्छा खीर बनाने के लिए आप क्या करना है, जो दूध है इसे बहुत अच्छे से उबालना ही होगा। अगर आप दूध को अच्छे से नहीं उबालेंगे, और एक बार उबाल आने पर अगर आप उसमें सेमिया या कोई भी जैसे चावल कुछ भी डाल देंगे ना, तो अच्छा नहीं बनता है। तो ये देखिए, मैंने दूध को अच्छे से उबालने के बाद ही जो सेमिया है इसमें मैंने दूध को डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर कम कर दिया, और यहाँ पर मिक्स करते रहेंगे। तो बाकी जितना दूध है उसको भी डाल देंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सेमिया पायसम बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम लिया है सेमिया। अगर ये चावल का खीर होता तो यहाँ पर 100 ग्राम अगर चावल होता तो 1 लीटर दूध हमें लेना होता है, तभी जाके जो खीर होता है ना वो हमारा परफेक्ट होता है। तो देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाती रहूँगी। और अभी हमने गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई में रख दिया है, कभी हाई में रखना है, कभी थोड़ा सा कम करना है, इसी तरीके से हमें चलाना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इलायची को कूट के डाल दिया है अच्छे फ्लेवर के लिए। तो खीर में इलायची डालिए, और बिल्कुल इस तरीके से इस टाइम पर डालिए जब अच्छे से दूध उबाल जाता है, उस टाइम डालना है। और देखिए, साइड में जितना भी मलाई जमता है इनको हम धीरे धीरे से ले लेंगे। अब जितना धीमे आंच में धीरे धीरे से इसको पकाएंगे, उतना ही जो हमारा खीर है ना वो टेस्टी बनेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि दूध को अच्छे से नहीं उबालते हैं और खीर बनाते हैं, तो ऐसा होने से क्या होता है, वो खीर में इतना टेस्ट नहीं आता है। ये जो खीर होगा ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, और इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। चीनी कितना डालेंगे, मैं यहाँ पर 50 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। 1/2 लीटर दूध है, 100 ग्राम में सेमिया, और यहाँ पर है 50 ग्राम चीनी। तो देखिए, इतना ही चीनी में जो हमारा ये खीर है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो मैं सही मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ, आप इसी हिसाब से कोई भी खीर बनाएंगे ना तो आपका खीर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए, जब हम चीनी डालते हैं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना होता है, बिल्कुल लो में रख के ही हमें चीनी डालना होता है। उसके बाद धीरे धीरे से हम गैस को बढ़ा देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे, फिर से उबाल आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम गैस को कर देंगे बंद,
क्योंकि हमारा खीर बन चुका है। इससे ज़्यादा उबालने से खीर बहुत थिक हो जाएगा। वैसे ही ठंडा होने पर जो खीर होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसी स्टेज में हमें गैस को बंद कर देना है और मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट, और इसका कलर देखिए बिना कुछ भी कलर मिलाए भी हमारा ये खीर कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक करें।